हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लच प्लेट चेंज करेंगे हम प्लेटिना में। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो इंजन है काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। इसे हम पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद इसमें क्लच प्लेट नई चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये क्लच प्लेट है बजाज की, इन्हें हम नई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी पैकिंग ओपन कर ली है। ये इसका हब है जो कि कट चुका है, और ये इसका सेंटर है, ये भी इसमें कट चुका है, ये भी हम इसमें नया चेंज करेंगे। और इसकी जो स्टील प्लेटें होती हैं जिन्हें हम प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं काफ़ी लोग, और जो कि कट चुकी हैं इन्हें भी हम चेंज करेंगे। दोस्तों इन्हें चेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप क्लच प्लेट चेंज करा रहे हैं तो। अगर ये कटी होती हैं तो आपकी क्लच प्लेट जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी या सही तरीके से काम नहीं करेंगी। तो इन्हें हम दोस्तों लगाएंगे, पहले क्लच प्लेट, फिर एक स्टील प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर एक स्टील प्लेट, ऐसे हम इसे फिट करेंगे। दोस्तों अब हम इसमें इसका क्लच हाउसिंग लगाएंगे। पहले इसका एक बासर लगाएंगे। बासर लगाने के बाद इसका एक बुश होता है, उस बुश को लगाएंगे, फिर हम इसको हब को इसमें लगा देंगे। दोस्तों इसके ऊपर एक बासर और लगता है, इस बासर को लगाने के बाद हम क्लच प्लेट फिट करेंगे जो कि हब सेंटर पूरा कंप्लीट है। इसको हम लगा देंगे और इसे लगाकर आपको हम जल्दी से दिखाते हैं। अब हम इसका क्लच का नट टाइट करेंगे। ये 19 नंबर का होता है और एक क्लच पुलर होता है, इसे हम टाइट करेंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे ये खुले ना। और दोस्तों इसमें 6 स्प्रिंग लगती हैं और इसकी जो पत्ती है इसमें 8 नंबर के स्क्रू लगते हैं जो कि 6 होते हैं। इन्हें हम अच्छे से टाइट कर देंगे लगा के। अब हम इसके क्रैंक का रोटर लगाएंगे और इसे हम इसका जो नट है इसे नट को लगाकर अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हम इसके रोटर की प्लेट लगा देंगे। इसमें 3 स्क्रू लगते हैं 4 मुँह के, इन्हें हम लगाकर अच्छे से टाइट करेंगे। और दोस्तों इसे खोलने के बाद इसे साफ जरूर कर लेना चाहिए, इसमें काफ़ी गंदगी भर जाती है जो कि ये दोस्तों फिल्टर का भी काम करता है। आपने अगर खोला होगा खोलते समय इसमें देखा होगा कि इसमें डस्ट जम जाती है, और इसे अच्छे से साफ कर कर लगाएं। इसके इन 4 मुंह के पेचों को अब हम टाइट करेंगे अच्छे से। दोस्तों ये अच्छे से टाइट हो चुका है। अब हम इसकी जो फिल्टर है, फिल्टर की जाली है ऑयल की, उसे हम लगाएंगे। ये दोस्तों यहाँ नीचे की साइड लगती है और इसे हम अच्छे से लगा देंगे और इसे फंसा देंगे इसके अंदर। ये दोस्तों यहाँ लगी होती है, इसको ज़रूर साफ़ करें। अगर कभी भी आप किसी भी गाड़ी का या बाइक का क्लच कवर खोलते हैं तो इसे ज़रूर साफ़ कर लें। तो दोस्तों हम इसके क्लच कवर को फिट करेंगे और इसकी जो क्लच कवर की पैकिंग है उसे अच्छे से लगा लेंगे। अच्छे से बिठाने के बाद फिर हम इसका क्लच कवर लगाएंगे।
अब हम इसके क्लच कवर के नट लगाएंगे जो कि 8 नंबर के होते हैं, 8 नंबर की टॉमी के हैं। वैसे इन बोल्टों का साइज 10 नंबर का होता है। अब हम क्लच कवर के जो पेच हैं इनको हम अच्छे से टाइट करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये इसकी स्टील प्लेट हैं जो कि कट चुकी हैं, इन्हें भी ज़रूर चेंज करना चाहिए क्लच पे डालते समय। और दोस्तों अगर आपके ये हब या सेंटर कटे हुए हैं जो कि इसके अंदर ये लाइनिंग पड़ जाती है, यही इसका इससे पता पड़ता है कि ये कटे हुए हैं, अगर ये कटे हैं तो इन्हें ज़रूर चेंज करना चाहिए। और अगर ये कटे हुए हैं चेंज अगर आपने नहीं करे तो दोस्तों आपकी क्लच प्लेट जल्दी ही ख़त्म हो सकती हैं। और ये देखिए दोस्तों, ऐसे इसका हब कटा हुआ है, इसमें भी लाइनिंग आ गई है। और ये इसकी क्लच प्लेटें हैं जो कि कट चुकी हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके।